नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग से पूरे बुंदेलखंड सहित देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निरंतरता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, बड़ी खबर निकल कर आ रही है सागर से। दरअसल सागर में अपराधों की फेहरिस्त अब लंबी होती जा रही है और न केवल हत्या, चोरी और लूट की वारदातें हो रही हैं, बल्कि अब एक नया मामला सामने आया है। दिन दहाड़े अपहरण का मामला सामने आया है। जी हां, सागर में दिन दहाड़े अपहरण कर बंधक बनाने का मामला सामने आया है। दरअसल ये पूरा मामला जो है सागर शहर से दो लोगों की अपहरण और अपहरण करके बंधक बनाकर उनकी मारपीट की गई है, ये मामला सामने आया है। दरअसल ये पूरी वारदात जो है बस स्टैंड के पास रविंद्र भवन का मामला है। पीड़ित युवकों मंटू पाठक और राजकुमार साहू ने आरोप लगाया है कि राम अवतार पांडे ने अपने साथियों के साथ मिलकर दोपहर में अगवा किया और सांईखेड़ा स्थित वेयर हाउस में बंधक बनाकर हाथ पैर बांधकर बेल्ट और लाठी डंडों से जबरदस्त मारपीट की गई है। आप विजुअल्स में देख सकते हैं। रात में 3 बजे राजकुमार नामक पीड़ित आरोपियों के चंगुल से छूट गया और गांव पहुंचा। जैसे तैसे गांव वालों को पूरी जानकारी दी, तब जाके गांव वालों ने पुलिस के सहयोग से दूसरे युवक को भी बचाने के लिए पहुंचे हैं, जिसके बाद सिविल लाइन पुलिसकर्मियों ने बंधक बने पीड़ितों को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया। एडिशनल SP विक्रम सिंह कुशवाहा ने जानकारी दी है कि सानोदा थाना क्षेत्र का मामला है, लेकिन इसमें गोपालगंज में शून्य पर FIR दर्ज कर जांच की जा रही है। लेकिन बड़ी बात है, सुनिए जरा एडिशनल SP विक्रम सिंह ने इस बारे में क्या कहा है। शून्य पर गोपालगंज थाने प्रकरण पंजीकृत थाना थाना भेजा गया है। इसमें जो आरोप है उनकी पुलिस जांच कर रही है। प्रथम मारपीट और रोक के रखने का प्रकरण पाया गया है तो उसके तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। यदि कोई वैसी कार्रवाई की गई सर, ऐसा शुरुआती बताया गया है कि उनके बीच किसी मामले को लेकर विवाद पूर्व से है, जिसमें कि सुलह करने के लिए बैठे हुए थे। पूर्व में इनके दोनों पक्षों को से दूसरे भी अपराध पंजीबद्ध हैं, जिसमें कि किसी सुलह को बात को लेकर ये बैठे। अब उसी में उन पर विवाद बढ़ा और मारपीट की नौबत आई। अब मारपीट की नौबत आने के बाद सुनाई करते हैं, अगर ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो उसकी जांच कराई जाएगी और जांच करने के उपरांत कोई दोषी पाया जाए। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि इन अपहरणकर्ताओं पर किस तरीके से ठोस कार्रवाई की जाती है, क्योंकि लगातार ये घटनाएँ सागर शहर में आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, ये चिंता का विषय है। इन पर कैसे लगाम लगाई जाए, इस पर विचार करना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। निश्चित रूप से बड़ी वारदात हुई है और दिन दहाड़े इस तरीके की घटना चिंताजनक है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज़।